हेलो माय व्यूअर्स, तीन इंपॉर्टेंट इंजेक्शन जो हम मिक्स करके पेशेंट को देते हैं, जिसमें से पहला है डेक्सोना, दूसरा है मेगा न्यूरॉन और तीसरा है डायलोना एक्वा। तो ये तीनों इंजेक्शन को हम मिक्स करके पेशेंट को देते हैं। कितना डोज देते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप स्किप मत करो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहला इंजेक्शन है डायलोना एक्वा। डायलोना एक्वा एक डाइक्लोफेनिक 75 mg इंजेक्शन है। ये 75 mg इसका मतलब कंपोजिशन है, 1 ml का ये रहता है और 28 rupees में ये अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक, इसके साथ हम दो इंपॉर्टेंट इंजेक्शन भी देते हैं मिक्स करके, मेगा न्यूरॉन। मेगा न्यूरॉन जो है वो एक मेथाइल कोबलामिन 500 mcg इंजेक्शन है। mcg इंजेक्शन मतलब माइक्रोग्राम। ठीक, तो ये डाइक्लोफेनिक के साथ हम मिला के देते हैं, मतलब ये हम डायलोना एक्वा के साथ मिला के देते हैं 1 ml। तो 1+1 2 ml हो गया और ये हमको IM देना है, लेकिन कंसल्ट बाय अ डॉक्टर। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन जो हम लोड करके देते हैं वो है डेक्सोना। डेक्सोना जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन है। क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं बताऊंगा, पर इसके कंपोजिशन को जानो पहले। इसके कंपोजिशन का नाम है डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन। ठीक है, डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इसके कंपोजिशन का नाम है। ये 2 ml का है बट हमको 1 ml देना है। ठीक है, बट वी टेक ओनली 1 ml, हमको सिर्फ 1 ml लेना है और हमको ये इन दोनों इंजेक्शन के साथ मिक्स करके पेशेंट को देना है। बट क्वेश्चन इज़ वाई वी मिक्स दिस इंजेक्शन एंड गिफ्ट टू पेशेंट। तो उसका एक रीज़न है कि डायलोना हम इसलिए देते हैं ताकि मॉडरेट पेन कंट्रोल रह सके, हम मेगा न्यूरॉन इसलिए देते हैं ताकि विटामिन B12 की कमी ना रहे, और डेक्सोना जो है वो एलर्जी, अर्थराइटिस और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है। तो ये तीन मेडिसिन जो हम मिक्स करके देते हैं वो पेशेंट को कंट्रोल करता है, उसके बॉडी को सेफ रखता है। ये हम IM देते हैं 3 ml को मिक्स करके। डेक्सोना 2 ml का है बट हमको 1 ml देना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें क्या अच्छा लगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।